हेलो एंड हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करते हैं 4.2 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने 4.1 एक्सरसाइज की थी, जहां पे हमें पांच साइड गिवन होते थे। उन पांच में से चार तो साइड होती थी और एक डायगोनल होता था बच्चों। अब हमारे पास क्या होगा, तीन साइड आएंगी और दो डायगोनल आएंगे। इसके बेस पे हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत आसान है, वैसे ही करना, सेम प्रोसीजर, सेम टू सेम सभी कर सकते हैं। देखें, एक क्वाड्रिलेटरल है LIFT, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ये चीज हमारे पास गिवन है तो इसको लिख लेते हैं पहले हम। क्या गिवन है? गिवन है बच्चों हमारे पास क्या है, एल आई है 4 सेंटीमीटर, आई एफ 3 सेंटीमीटर, टी एल 2.5, एल एफ 4.5 एंड आई टी, ये है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फिर बच्चों वही काम आएगा हमारे पास, पहले क्या आता है, रफ स्केच बनाने की बात आती है। बना दो अपने आप क्वाड्रेटर का कोई भी नाम दे दे, बोल के नहीं दिया ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो अपने आप बना दो। नाम इसका है, रफ है, लेकिन आपको अच्छे से बनानी है। एल आई एफ टी, एल आई 4 सेंटीमीटर है, आई एफ 3 सेंटीमीटर, टी एल है बच्चों 2.5, फिर एल एफ दे रखा है, मतलब एक डायगोनल आ गया हमारे पास 4.5, और फिर आई टी दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चे, तीन साइड आ गई और दो डायगोनल आ गए हमारे पास, ये चीज आ चुकी है। अब इनकी हेल्प से क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहां हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखें, सबसे पहले क्या ले लेते हैं हम, एल आई को ले लेते हैं बेस लाइन। तो ये हमने एल आई ले लिया, हमें कितना था ये 4 सेंटीमीटर, तो ये एल एल यहां ले लेते हैं इसको, इसके पास ही ले लेते हैं। एल आई इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फिर एल आई आने से हम, हमारे पास दो वर्टेक्स आ गए, एफ रह गया, टी रह गया, इन दोनों में से किसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। एल आई की हेल्प से टी तक भी जा सकते हैं और एफ तक भी जा सकते हैं, किसी को भी आप लोग पहले फाइंड आउट कर ले। हम एफ की बात करते हैं तो एल से एफ 4.5 है, आई से एफ 3 है, तो हम क्या करते हैं, आई पॉइंट पे 3 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करके एक आर्क लगाते हैं, यहां से यहां रखे एक आर्क लगाए जो हमने 3 सेंटीमीटर यह था। फिर एल से एफ तक का डिस्टेंस 4.5 है, तो एल पॉइंट पे कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे यहां से, जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, जहां भी इंटरसेक्ट करेगी बच्चों उसका नाम रख देते हैं हम एफ। फिर इसको ज्वाइन करा दो, यहां बच्चों 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लिख दो, ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है, ये लिख देते हैं। फिर बच्चों क्या रहेगा, टी रहेगा, एल से टी तक 2.5 है, आई से टी तक 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या करेंगे हम, एल से 2.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, यहां रख के ये लगा दिया हमने, फिर आई से 4 सेंटीमीटर लगाएंगे, आई पॉइंट पे रखो और 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दो, यहां इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों जहां भी इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम क्या रख दो, टी रख दो। फिर टी को क्या करना है, एफ से ज्वाइन करा दो और फिर एल से ज्वाइन करा दो, और ये डायगोनल है, डायगोनल को लगा दो। तो हमारे पास यहां पे आ जाता है ये 2.5 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर आ जाता है। देखिए बच्चों, तीन साइड थी, एक दो तीन और दो डायगोनल, इनकी हेल्प से हमने क्वाड्रेंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। पहले क्या किया, एल आई लिया हमने नीचे, फिर इन दो की हेल्प से हम एफ तक जा सकते हैं, एल से एफ तक का डिस्टेंस गिवन है, आई से एफ तक का गिवन है। एक आर्क एल से लगाई एफ के लिए, आई से लगाई एफ के लिए, तो इंटरसेक्ट करिए बच्चों। फिर ऐसे ही आई से टी के लिए एक आर्क लगाई हमने, फिर एक एल से लगाई के इंटरसेक्ट किया, नाम दिया। फिर बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं आपको, आपको बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सबसे पहले वाली, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एल आई ऑफ 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ किया हमने, फिर एक आर्क लगाई हमने आई पॉइंट से, मेक एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर एट पॉइंट आई, फिर यहां से लगाएंगे एल से 4.5 सेंटीमीटर के एंड पे इंटरसेक्ट, नेम इट एज एफ, ज्वाइन एफ आई एंड एफ एल, अगेन मेक टू आर्क्स फ्रॉम पॉइंट आई एंड एल ओ 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ज्वाइन दिस एंड दिस।
तो ऐसे करके बच्चों आपको सारे स्टेप लिख लेने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये समझ लेना। फिर बच्चों इसका सेकंड पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर वन का ही, एक क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम है गोल्ड, GOL। इसमें ये सभी है हमारे पास, गिवन में हमने लिख दी ये पांच चीज है। इसका रफ स्केच बनाते हैं बच्चों, कोई नाम तो है नहीं तो ऐसे ही बना लेते हैं, GOLD। OL है हमारे पास 7.5, GL है मतलब एक डायगोनल है, ये कितना है 6, GD है हमारे पास 6, LD है 5 और OD है हमारे पास 10। इनकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों। फिर वही देखें बिल्कुल आसान है, अब हम क्या करें GO को क्या नीचे बेस लाइन ले नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं ये 2, 3, 4, 5, 6 कितने सेंटीमीटर नहीं पता। तो बच्चों यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, तो हम बेस लाइन को लेते हैं जो हमें पता होते हैं, जो हमें गिवन होते हैं, भाई ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं DL को ले लेते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर। ये ले लिया बच्चों हमने DL, यहां पे कितनी है ये 5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों DL से इन दोनों की हेल्प से हम O तक भी आ सकते हैं, D से O कितना है 10 सेंटीमीटर और L से कितना है हमारे पास 7.5। हम क्या करेंगे O से या हम D से 10 सेंटीमीटर के आर्क लगाएंगे जो कि डायगोनल है, D से कितने की 10 सेंटीमीटर की, यहां इंटरसेप्ट की जाएगी हमारे पास। फिर D से हमने 10 के लगा दी, तो बच्चों L से लगाएंगे 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे यहां है, आपस में जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे देखें, D से O लगाई 10 सेंटीमीटर की, L से O लगाई 7.5, जहां इंटरसेक्ट करेंगे ना होना, इसको ज्वाइन करा दो, ठीक है बच्चों। OL 7.5 सेंटीमीटर है और OD है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो देखो तीन वर्टेक्स आ चुके हैं, G रहेगा, G तक आने के लिए क्या करेंगे, एक D से लगाते हैं G के लिए 6 सेंटीमीटर की, और दूसरी L से लगाते हैं G के लिए, कितना वो भी 6 सेंटीमीटर है। देखिए D से भी हम G तक आ सकते हैं, L से भी G तक आ सकते हैं, कितना 6 6 है। तो बच्चों G कहां से, D और L से लगाते हैं, D से लगाते हैं एक 6 सेंटीमीटर का, ये लगा देते हैं बच्चों हम यहां से 6 सेंटीमीटर स्टेप लगाते हैं। फिर ऐसे ही हम कहां से लगाएंगे, L से लगाएंगे G के लिए, L से लगाते हैं G के लिए हम 6 सेंटीमीटर का, तो इसको ये इंटरसेक्ट करेगा बच्चों कहां पे, यहां पे। तो जो इसका हम नाम रख देंगे क्या, G रख देंगे, इसको ज्वाइन करा दो, ये हमारे पास बन जाती है क्या एक क्वाड्रेटर हो जाती है, इसका नाम GOLD है। अब देखें GD कितनी है 6 सेंटीमीटर है, फिर GL कितनी है GLD भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो ये नाम हो गए बच्चों इसका, बिल्कुल आसान। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब हम GO को तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम किसको लेंगे, इन तीन में से किसी को भी ले सकते हैं, हमने इसको ले लिया तो ये फेल हो जाती है। फिर वही सारे के सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख देंगे, ठीक। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या एक रोमबस को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें सिर्फ 2 डायगोनल दे रखे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो स्पेशल होते हैं, जो थोड़ा सा हटके होते हैं। अब तक ऐसा हमने कोई भी सवाल नहीं किया, 4 पार्ट हमने 4.1 में किए, 2 4.2 में कर लिए, टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए। तो 7वां क्वेश्चन हमारा ऐसा आता है जिसका पिछले 6 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, रोमबस कंस्ट्रक्ट करना है BL और DE, 2 डायगोनल दे रखे हैं। तो बच्चों यहां हम एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो है कि डायगोनल्स ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल छोड़ दो मतलब बाइसेक्ट करते हैं, वो हमें राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, इसका यूज करेंगे। इसका मतलब DE और BL डायगोनल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वो कैसा है राइट एंगल, तो थोड़ा बच्चों ध्यान से देखना। इसमें हम क्या करेंगे, एक डायगोनल को लेंगे हम नीचे बेस लाइन पे, एक डायगोनल, अब तक तो साइड को लेते थे, अब किसके लेंगे हम किसको लेंगे, डायगोनल को लेंगे, और डायगोनल भी हम वो लेंगे जो हमारे पास ओड डिजिट में होगा, ठीक है, ओड डिजिट में, ओड मतलब देखें यहां पे एक 5.6 है और एक 6.5 है,
इनमें से हम जिस भी डायगोनल को बायसेक्ट करना मतलब उसके दो इक्वल इक्वल हिस्से करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी भी, उसको हम नीचे ले लेंगे। जैसे 5.6 है, इजी 2 से डिवाइड हो जाता है 2.8। अब 6.5 है, इसको हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो बच्चों 3.25 आएगा। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट आगे उनको हमें प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो किसको ले लेना है, जो हमारे पास नीचे ऐसे नंबर आते हैं 6.5 6.7, ठीक है, इनको ले लेना। तो ये हमारा क्या है, डी ई है बच्चों। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डी ई ले लेते हैं जो सबसे अच्छा स्टेप, ध्यान से रखना बच्चों। ये डी ई कितना ले लिया हमने, 6.5 सेंटीमीटर लेते हैं। आगे ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप, ड्रो डीई 6.5 सेकेंड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, मोर देन हाफ, इसके हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, ठीक है। यहां रख के कोई आपको टू से डिवाइड करके उसको मेजर करना ही है, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहां रख के इससे ज्यादा कितना भी आ सकता है, यहां रखो कहीं भी रखो, ठीक है। डी पे रख के एक आर ऊपर लगा दो और वही आ रहे हैं नीचे लगा दो, डी पे रख के दो आर उतनी ही कंपस रखनी है। ई पॉइंट पर रखो, एक आर ऊपर लगा दो और एक आर नीचे लगा दो, ठीक है बच्चों। दो आर लगा दी होगा तो दो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी 100% करेंगी, फिर इनको ज्वाइन करा दो। ये हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। अब बच्चों दो स्टेप थे, एक तो हमने ये किया, दूसरा क्या किया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी, ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रो किया। और बच्चों दूसरा डायगोनल बचता है बी एन, ये कितना है 5.6 है। अगर 5.6 है तो इसका हाफ यहां से लेके यहां तक होगा और दूसरा इसके नीचे हाफ होगा, हाफ होगा बच्चों। तो 5.6 का हाफ क्या होता है, 2.8 होता है। तो आपको यही करना है, 2.8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है रेडियस, ठीक है, मेजर कर लो स्केल की और कंपास की हेल्प से। तो 2.8 सेंटीमीटर बच्चों यहां रख के आपको ऊपर एक आर्क लगानी है, उतनी ही आर्क आपको नीचे लगानी है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इंटरसेक्ट करेगी। यहां इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, इसको ऐसे मिला दो, यहां इंटरसेक्ट करेगी इसको यहां, ठीक है। क्या जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया डीई पे, इसको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको एम मान लेते हैं। ड्रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीई विच इंटरसेक्ट डीई एट एम। फिर बच्चों थर्ड स्टेप में क्या करना है, ड्रो टू आर्क्स फ्रॉम डी एंड ई, फ्रॉम कहां से लगाएंगे बच्चों, एम से लगाते हैं, फ्रॉम एम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और कितने रेडियस के लगानी है, 5.6/2। ये हमने इसीलिए बच्चों यहां पे ऐसा लिया था कि जिसको हम उसे डिवाइड करें और वो इजीली एक नंबर आता है, जो नंबर नहीं आता जिसको हम अच्छे से स्केल में उसको मेजर नहीं कर सकते उसको तो हमें यहां ले लेना है, जिसको डिवाइड कर सकते हैं उसको हमें दूसरे डायग्राम के लिए छोड़ देना, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास, एक डायग्राम लिया हमने पहले स्टेप में, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में जो 5.6 बचा था उसका हाफ किया, ये किया, इससे हमने दो आर्क लगाई जहां पे इंटरसेक्ट करा अपवर्ड और डाउन। तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करें बच्चों, एक का नाम आप लोग बी रख दो, इसका नाम एन रख दो। तो ऐसे हमारे पास ये बी ई एन डी, या यहां पे हमारे पास एन है इसको एन रख दो, यहां पे बी है ये कहां है जो रफ स्केच लगा है, तो ये बचाती है हमारे पास। फिर ऐसे ही आपको लिख लेना है,
कि जब हम दो आर्क लगाएंगे तो ये एन और इसको इंटरसेक्ट करेगा, उनको नाम रख देंगे हम, फिर उनको जॉइन करा देंगे, दस जब रोमबस बी ई एन डी, ये सब होते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल है, बहुत आसान है, पेपर में आ सकता है।